Good morning, friends, and once again welcome from sharestradingschool.com. Today 5th April 2019 हम निफ्टी एनालिसिस कर रहे हैं. इसके लिए मैं क्विकली निफ्टी के डेली चार्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ आपको. परफेक्ट की रिवर्सल परसों जो आया था उसके बाद मार्केट कंटिन्यू करेगा करेक्शन को, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. और उसके नीचे का सपोर्ट लेवल प्रीवियस हाई जो है ये लेगा, ये भी डिस्कस कर चुके हैं. और ये सपोर्ट कल मार्केट ने टेस्ट किया है और क्लोज होते टाइम ये मॉडरेट बेरिश बार फॉर्मेशन में आके क्लोज हुआ. सो लास्ट में थोड़ी सी रिकवरी देखी गई और ये रिकवरी हमने प्रीवियस हाई के सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए दी है. लेकिन मार्केट में अभी भी कंटिन्यूस करेक्शन कंटिन्यू रह सकता है. ये इसके सिम्टम्स क्विकली मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. इसके लिए एक छोटा सा स्टडी हमें करना होगा. आरएसआई का ये करण अगर आप देखते हैं तो प्रीवियस हाई के नीचे चल रहा है और प्राइस का उसी टाइम का यानी करस्पॉन्डिंग हाई प्रीवियस हाई के ऊपर चल रहा है. सो प्राइस हायर हाई एस्टेब्लिश कर रहा है और आरएसआई लोअर हाई एस्टेब्लिश कर रहा है. ये डाइवर्जन है. सो इसका मतलब प्राइस ने जो डाइवर्जन देना शुरू किया है यानी आरएसआई ने जो डाइवर्जन देना शुरू किया है ये डाइवर्जन इफेक्ट ला रहा है. अगर आरएसआई का ये लेवल जैसे काटता है मार्केट करेक्शन को और कंटिन्यू करेगा और शायद ये 11,540 के नीचे जैसे जाएगा. ये जो अभी तक स्ट्रांग अप ट्रेंड है ये वीक अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा और आगे ये 20 के एवरेज के पास सपोर्ट चेक करेगा. अगर 20 के एवरेज के पास ये जब सपोर्ट चेक करने को आ सकता है तो ये हो ये सकता है कि कल को अगर इस लेवल के नीचे काटे इसको तो ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके वापिस ऊपर आके 20 के एवरेज के आसपास या उसके थोड़ा सा ऊपर क्लोज हो तो इसका मतलब ट्रेंड लाइन सपोर्ट टेस्ट हुआ और 20 के एवरेज को भी टेस्ट किया गया. सो पेनिट्रेशन 20 के नीचे जाके ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके ऊपर पुल बैक होके तो ये क्लोज हो सकता है. सो करेक्शन इस लेवल तक पहला सपोर्ट ले सकता है और ये लेवल पे सपोर्ट लेना काफी जरूरी है. और इसके बाद अगर ऊपर फिर बाउंस हो तो आने वाला ट्रेंड ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड रहेगा. इसके लिए ये करेक्शन अभी और भी कंटिन्यू होने चाहिए. लेकिन अगर हम आर्ली चार्ट के हिसाब से देखते हैं तो 4 आर्ली चार्ट में इसने सपोर्ट लिया है 20 के ईएमए को और वहां पे उसने डोजी फॉर्मेशन दिया है. सो इसकी वजह से एक छोटा सा ये लग रहा है कि शायद ये शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम करेक्शन कंप्लीट होने का सिम्टम दे रहा है. लेकिन अगर हम आर्ली चार्ट को स्टडी करते हैं तो आर्ली चार्ट में 50 के ईएमए को तोड़ के मार्केट नीचे आया है और फिलहाल 50 के ईएमए के नीचे क्लोज है. सो 20 के ईएमए को इसने ऊपर रेजिस्टेंस चेक किया है और 50 के ईएमए के नीचे आके क्लोज हुआ. 100 ईएमए उसको काफी नीचे सपोर्ट दिखा रहा है. सो अब ये स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि जब तक 11,665 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता तब तक लॉन्ग करने का कोई स्कोप नहीं. 11,560 के नीचे जाए तो शायद हम शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं. उसके बाद जो है वो 11,510 के पास है. सो ये ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट का रैली हमें मिल सकता है. ये हाई रिस्क ट्रेड रहेगा क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन में है और इस कंसोलिडेशन में अगर हम शॉर्ट करेंगे तो हम शायद फंसने के चांसेस होंगे, सक्सेस रेट कम रहेगा. सो इसके लिए अगर हम ये ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं तो हाई रिस्क ट्रेड ले रहे हैं, ये हमें याद रखना पड़ेगा. जब तक 11,665 क्रॉस नहीं करता ऊपर हम लॉन्ग नहीं करेंगे. और अगर 11,560 के नीचे मार्केट जाता है तो शॉर्ट इनिशिएट करके 11,510 के पास आने के बाद हम हमारा शॉर्ट कवर कर लेंगे. सो ये हमारे लिए आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होगी. सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर ट्रेड. गुड डे.